ग्राफ। तो ग्राफ निकालने के स्टेप्स तो क्लियर थे। और ये बताओ, मैंने जो होमवर्क दिया था वो कर लिया है क्या तुमने? सेक्शन है या बाकी है? अच्छा, नहीं किया क्या? कोई नहीं, अब तो एग्जाम चल रहे होंगे तो ठीक है, मैं भी ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ। बाकी इधर तो करते रहना तुम, ठीक है? सर होमवर्क नहीं बोला था, लग रहा है मुझे क्या नहीं बोला था? सर। मतलब आपने वो पीडीएफ तो डाली थी, लेकिन उसमें क्या क्या करना वो नहीं डाला था ऐसा। सेक्शन ए था, उसमें सेक्शन ए करना था। ठीक है, टाइम मिले तो करके सर रखना, ठीक है? सर उसमें जो वो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे अंदर अंदर के, तो हाँ, वो भी कर लिए थे। वो भी सही है, वो भी करते रहना। मतलब जितने भी क्वेश्चंस वहां पे तुम्हें मिलेंगे ना, सॉल्व कर लो, वो मोर देन इनफ है। HLP भी आगे आती है, वो भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है। तो लिखो तुम अब, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, और एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, करके रखा है क्या तुमने? यस सर। उसमें क्या था, ए लेस देन या ए ग्रेटर देन था? ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर ए देन 0 और सी ग्रेटर देन 0। एंड सी ग्रेटर देन जीरो, और ये था वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस बी माइनस सी, एक्स माइनस सी। माइनस सी था ना? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, डी के बारे में तो कुछ मेंशन करके नहीं दिया गया, तो डी निकाल लेंगे हम इसका। डी कितना आ जाएगा, बी स्क्वेर प्लस 4ac, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सी नहीं है, अब माइनस सी है, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा, तो डी पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा बताओ? पॉजिटिव डी पॉजिटिव आ पॉजिटिव जाएगा, तो डी पॉजिटिव आ गया, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड, फिर उसके बाद डी पॉजिटिव है तो दो जगह पे कट करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद सी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा आता है? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0.c 0.-c आता है यहाँ पे, माइनस देखो ना, एक्स की सी। जगह पे जीरो पुट कर दो तो वो 0.-c, तो सी पॉजिटिव है तो माइनस सी निगेटिव रहेगा, तो ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ओरिजिन के नीचे या ऊपर? ये वाई एक्सिस को इस ओरिजिन पॉइंट पे कट कर रहा है, नीचे 0.-c, तो सी पॉजिटिव है तो माइनस सी निगेटिव रहेगा, तो ओरिजिन को, मतलब वाई एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट करेगा, तो या तो ये वाई एक्सिस होगा या ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है? तो ये देख लो, अगर ये ओरिजिन हो जाता है तो वाई एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है, या तो ये हो जाता है तो ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है। अब दोनों में से कोई एक ही होगा, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी है किसकी, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो -b/2a ही रहेगा, ठीक है? तो a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, इसका मतलब y एक्सिस होगा ये वाला y एक्सिस हो जाएगा, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2a, -d/4a, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0.-c, ठीक है? तो ये ग्राफ बनेगा, क्लियर? और जो हमने रिजल्ट्स देखे थे वो थे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, तो वहां पे अगर c पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा था, वो 0.c था, तो c पॉजिटिव तो वो y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0.-c पे, तो वो पॉइंट आएगा ओरिजिन के नीचे, ठीक है?
क्लियर है ये? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ये y एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे a लेस देन जीरो, b लेस देन जीरो, c लेस देन जीरो एंड d लेस देन जीरो है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बन गया? ठीक है, कौशल का हो गया। और चलो यहां देख लो, स्टेप वाइज बढ़ते हैं हम। इसमें क्या कर लिया करना तुम, ये पॉइंट पहले ही निकाल लिया करना। वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऐसे, या कट्स द वाई एक्सिस ऐसे भी लिख सकते हो एट। तो एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो वाई सी आ जाएगा। फिर इसका वर्टेक्स भी निकाल लिया करो। अब वर्टेक्स में बी की जगह पे क्या गिवन है? माइनस टू बी। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसमें बी की जगह पे आ जाएगा माइनस टू बी। एंड अगर ये ग्राफ रहता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें वर्टेक्स कितना आता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो ये b होता है x का कोऑर्डिनेट, a होता है x स्क्वायर का कोऑर्डिनेट, c होता है कांस्टेंट टर्म, तो उसमें वर्टेक्स ये होता है। लेकिन अब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट माइनस टू बी है तो इस b की जगह पे हमें माइनस टू बी पुट करना पड़ेगा। एंड एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट a है, यहाँ पे भी a है, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा यहाँ पे बी बाई ए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर है। क्लियर है क्या ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि इसके लिए वो होता है माइनस बी बाई टू है, लेकिन हमें चाहिए इसके लिए, तो वो चेंज हो जाएगा वहां पे। तो ये लिख के रख लिया करो पहले ही। अब उसके बाद आ जाते हैं मेन कहानी के ऊपर। ए निगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो ग्राफ आएगा डाउनवर्ड। फिर उसके बाद डी निगेटिव, इसका मतलब नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। फिर उसके बाद सी निगेटिव है, मींस वाई एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट करेगा, तो वाई एक्सिस या तो ये होगा या वाई एक्सिस या तो ये होगा। ठीक है, अब पूरी कहानी आ जाती है बी बाय ए के ऊपर। तो ए निगेटिव है, बी निगेटिव है, तो बी बाय ए कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो उस केस में वर्टेक्स कहां लाई करेगा? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वर्टेक्स लाई करेगा वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में। तो ये तो वाई एक्सिस नहीं होगा, तो वाई एक्सिस कौन सा होगा? यहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये वर्टेक्स आ जाएगा यहाँ पे बी बाय ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे जीरो कॉमा सी। ठीक है, क्लियर है?
यस सर। तो ड्रॉ कर लो ये जल्दी से। नेक्स्ट ग्राफ एक लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद हमें क्या रहता है, बाद में हमें ग्राफ गिवन रहता है और एबीसी का साइन पूछा जाता है, वो भी क्वेश्चन लेंगे। अगला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस सी, वेर ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। चलो कौशल का हो गया, और किसी का? डी कैसा आएगा कौशल इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे पहले तुम क्या निकाल लो, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये? जीरो कॉमा माइनस सी। माइनस सी। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? b बाय a माइनस d बाय 4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डी भी, डी का साइन पता नहीं तो वो डी बी स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर, क्योंकि बी की जगह पे माइनस टू पे 4b स्क्वेयर प्लस 4ac। ए पॉजिटिव है, फिर उसके बाद सी पॉजिटिव है, बी निगेटिव लेकिन उसका स्क्वेयर है, तो ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो डी पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला ग्राफ उसमें ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, डी पॉजिटिव दो जगह पे कट करेगा, सी पॉजिटिव या तो ये y एक्सिस आएगा या ये वाला y एक्सिस आएगा। एक मिनट, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? 0, -c पे, तो ये वाला तो आएगा नहीं, ग्राफ ऐसा होगा। y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट करेगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा है? 0, -c एंड माइनस सी, तो निगेटिव आएगा क्योंकि c पॉजिटिव है। अब उसके बाद y एक्सिस या तो ये होगा या ये होगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर? b बाय a के साइन के ऊपर, तो यहाँ पे b बाय a का साइन निगेटिव होगा, क्योंकि b निगेटिव a पॉजिटिव, तो b बाय a निगेटिव आ जाएगा, तो y एक्सिस होगा उस केस में ये वाला y एक्सिस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे y एक्सिस आएगा, ये वर्टेक्स रहेगा b बाय a कॉमा माइनस d बाय 4a एंड यहाँ पे ये रहेगा 0, -c। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक अलग तरीके का ग्राफ भी देख लेते हैं, मतलब अलग तरीके से आने वाला। यहाँ पे y इज इक्वल टू है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जहां पे ए ग्रेटर देन बी है, जहां पे ए ग्रेटर देन बी है, और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ। ये y कहाँ कहाँ पे जीरो होगा? एंड बी एंड बी तो अगर इसको हम इक्वेशन बताते तो a एंड b उसके क्या रहेंगे? रूट्स। रूट्स रहेंगे। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, एक मिनट, इसमें और एक चीज ऐड करो। ये है x माइनस a, इसमें तुम माइनस c भी कर लो। यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे ऐसे करो। बहुत आसान सा तरीका इसका ग्राफ बनाने का देख लो तुम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा आने वाला है मल्टीप्लाई करने पे? पॉजिटिव 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 आने वाला है। वन। ग्राफ तो अपवर्ड रहने वाला है ना? ग्राफ तो अपवर्ड रहेगा, तो इसमें वो एक्स स्क्वायर का साइन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, फिर कॉन्स्टेंट टर्म एंड डी चेक करके जाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजीली आ जाएगा ग्राफ। ये दो पॉइंट ए एंड बी पे इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। ए पे वैल्यू कैसी आ रही है? ए पे वैल्यू माइनस सी माइनस सी। माइनस पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव निगेटिव, मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा। ठीक है, बी पे वैल्यू के क्यों, मतलब क्या आ रही है बी पे वैल्यू? माइनस सी। माइनस सी आ रही है, तो वो भी पॉइंट कहाँ लाई करेगा? नीचे, है ना? लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, ग्राफ तो अपवर्ड ही आना है ना? तो ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा। यहाँ पे वैल्यू माइनस सी, यहाँ पे वैल्यू माइनस सी, और ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। अब वाई एक्सिस कहाँ पे होगा वो डिपेंड करता है ए बी के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो इसमें तुम बताओ रूट्स का नेचर कैसा है? अगर इसका हम इक्वेशन बनाते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा जाता है, इसमें बोला जाता है ये, इसमें ये कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो, देन फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। एक तो तरीका डी वाला है, लेकिन डी वाले में क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, एक्स का कोएफिशिएंट निकालो, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर उसको चेक करो, वो पॉजिटिव आएगा। उससे बढ़िया क्या है, ए पे एंड बी पे वैल्यू निकाल लेंगे और ये अपवर्ड आएगा ग्राफ, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता हुआ तो हमें दिख ही रहा है वो, ये तो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक रूट कैसा होगा? ए से छोटा, एंड दूसरा रूट कैसा होगा? बी से बड़ा। ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला लिखो तुम। अब ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, अगला
यहाँ पे अगला y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए. यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, ये है ठीक है. मतलब ये इक्वेशन बना लेना इसका इज इक्वल टू जीरो वेर a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c. देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. क्योंकि इक्वेशन के ही रूट्स होते हैं तो इसको ये इक्वेशन है इसमें a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c है. देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. ग्राफ तो अपवर्ड आने वाला है वो तो फिक्स है. अब तुम वैल्यू कहां कहां पे निकालोगे? इसमें ग्राफ से जाना है ठीक है. इसमें ग्राफ से अप्रोच करना है उससे बहुत इजीली आंसर आ जाता है इसका. डी अगर चेक करके जाओगे तो वो लेंदी हो जाएगा बहुत. हाँ ये एबीसी के ऊपर अगर इनइक्वालिटी होती है ना तो वो रियली नंबर्स होते हैं ठीक है. एबीसी के ऊपर अगर इनइक्वालिटी, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उसमें इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होती है, तो जहां पे भी इनइक्वालिटी अगर मेंशन करके दिया रहेगा तो वो रियल नंबर्स में ही आती है, इमेजिनरी नंबर्स में इनइक्वालिटी नहीं आती. अगर कोई बोल रहा है कि 2 iota इज ग्रेटर देन iota, ये गलत है. इमेजिनरी नंबर्स में इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होती है. तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है तो वो रियल नंबर है, तभी उसमें इनइक्वालिटी डिफाइन हो रही है. तो यहाँ पे देख लो, अब तुम ऐसे क्वेश्चन में इसकी हम ए पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले ए तो इधर आएगा, फिर आएगा बी, फिर यहाँ पे आएगा सी. तो तुम ये बताओ, बस साइन बताओ तुम मुझे, सी पे इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा सी पे? आवाज आ रही है मेरी? सी पे साइन पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव, क्योंकि ये देख लो सी माइनस ए निगेटिव, सी माइनस बी, अच्छा सी माइनस ए निगेटिव एंड सी माइनस बी निगेटिव,
तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे सी माइनस सी जीरो, सी माइनस सी जीरो, तो सी पे साइन पॉजिटिव आ रहा है, बी पे साइन कैसा आएगा बताओ, बी पे ये जीरो, ये जीरो, नेगेटिव, तो बी पे साइन निगेटिव आएगा क्योंकि ये बी माइनस सी पॉजिटिव लेकिन बी माइनस ए निगेटिव। ए पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ए पे ये जीरो, ये जीरो, तो ए माइनस बी पॉजिटिव, ए माइनस सी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का आएगा कुछ, ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा। तो यहां से नेचर ऑफ फ्रूट्स बताओ इस ग्राफ से, और ये अकॉर्डिंग क्यों बनाया मैंने, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड तो उसको बनना है, ठीक है। तो यहां से नेचर ऑफ रूट्स आ जाता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड एक रूट किसके बीच में लाई करेगा, बी एंड ए, दूसरा रूट लाई करेगा सी एंड बी के बीच में, हाँ बोलो आर्या सर। अगर हमने सर इसमें मतलब कौन सी भी सर वैल्यू डाली सर ए बी, तो सर वो सर आइदर या फिर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो सर तो इक्वल टू जीरो कैसे होगा सर? नहीं वो तो तीन पॉइंट्स है ना, हम तो बस तीन पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं, बी एंड सी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आ रहा होगा जहां पे वो जीरो हो रहा है, अभी तो हमने ए बी सी तीन ही तो पॉइंट पे चेक किया है, लेकिन बी एंड सी के बीच में जैसे ये पॉइंट, अभी पता नहीं हमें एग्जैक्टली ये पॉइंट कौन सा होगा, लेकिन ये जो पॉइंट इस, ये जो हम एक्स अगर इसमें पुट करेंगे तो वहां पे वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, ये पुट करेंगे ए एंड बी के बीच का ये वाला पॉइंट हम पुट करेंगे तो वहां पे वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, सॉरी जीरो आएगी, ठीक, यस सर, ये हो गया। अगला अब हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी इज दिस, ये उसका ग्राफ है, ये यहां पे वर्टेक्स है, देन फाइंड द साइन ऑफ ए बी सी, सेकेंड पार्ट में ए बी सी अपॉन डी, एबीसी का क्या आ रहा है साइन, ठीक है, यहां पे ए का साइन पहले तुम बताओ, ए कैसा होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा,
फिर उसके बाद y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा आएगा इसका? 0, -c आएगा, तो माइनस सी नेगेटिव है, तो c कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस सी नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है y एक्सिस को ग्राफ, तो माइनस सी को नेगेटिव होना पड़ेगा, देयरफॉर सी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसा रहेगा बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि वर्टेक्स राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव होगा। अब a पॉजिटिव है तो b को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो वो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो तुम यहां से देख लो एबीसी का प्रोडक्ट कैसा आएगा, एंड इसमें डी बताओ, डी कैसा होगा? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो एबीसी का प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव है, एंड एबीसी अपॉन डी इनका रेशियो भी कैसा है? निगेटिव है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला तुम करना। अब ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस टू बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें ए बी सी का साइन बताना है, फाइंड द साइन ऑफ ए बी सी, एंड सेकेंड में ए बी सी अपॉन डी का। एबीसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं, कौशल गलत है, एबीसी का प्रोडक्ट निगेटिव है, सेकेंड पॉजिटिव है, सही आ रहा। यहां पे देख लो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव आना है क्योंकि ये अपवर्ड है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा? ये 0, c पे ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है, तो सी भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना, सी भी पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डी बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। निगेटिव होगा, क्योंकि नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। अब वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके लिए क्या होगा? बी बाय ए। बी बाय ए, तो यहाँ पे बी बाय ए कैसा आएगा? निगेटिव। निगेटिव, तो ए पॉजिटिव है तो बी कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ से सारी चीजें मिल जाएगी, एबीसी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, एंड एबीसी अपॉन डी का जो रेशियो है वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है,
क्लियर है कौशल? यस सर। अर्चित? ओके। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ग्राफ बनाने का और भी तरीके है, आगे सीखने वाले हम डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर एबीसी के साइन से ग्राफ बनाना है तो इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। अच्छा, वो ध्यान रखना, वो इक्वेशन जो हमने रिजल्ट्स देखे थे ना, माइनस बी बाई टू ए सी, वो किसके लिए थे? वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए थे। लेकिन उसमें वेरिएशन भी वो करके दे सकते हैं क्वेश्चन को, बी की जगह पे जैसे माइनस टू बी, सी की जगह पे माइनस सी। तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, पार्ट में, सेकेंड में माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, स्क्वायर माइनस एक्स, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ए बी सी का एक तरीके से वैल्यूज हमें गिवन है। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी होगा, और ये कांस्टेंट टर्म सी होगी। एक तरीके से उसकी वैल्यूज गिवन है, वहां से अब ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी के दोनों तुम करोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये वन है, ए वन है, यहाँ पे बी माइनस वन है, सी यहाँ पे वन है। यहाँ पे हम डी निकाल लेंगे तो वो आ जाता है वन माइनस फोर, तो माइनस थ्री। ठीक है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पहले हम निकाल लेंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वन बाई टू। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए, तो वो आ जाएगा थ्री बाई फोर। तो ये वर्टेक्स हो गया ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वो हो जाएगा यहाँ पे जीरो कॉमा वन, वो हमें मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखना, ये ग्राफ इसका कैसा आएगा। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड तो आएगा, फिर उसके बाद डी निगेटिव है तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सी पॉजिटिव था लेकिन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ बनने वाला है। ये यहाँ पे जीरो कॉमा वन, वर्टेक्स यहाँ पे वन बाई टू कॉमा थ्री बाई फोर। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। क्लियर है? यस सर। चलो बाकी के दोनों ड्रॉ करो जल्दी से। तो रूट्स कैसे है इसके? इमेजिनरी। वो तो डी उधर से दिख गया हमें। तो
ठीक है, हो गया कौशल का, हो गया और बाकी? यस सर, हो गया आर्या का। और ये तुम में से दी थी क्या किसी ने IOQM ओलंपियाड? यस सर, यस सर। तो कब आ रहा है इसका रिजल्ट? सर साइट पे बोले कि डेट बाद में अनाउंस करेंगे। डेट बाद में है क्या, या आंसर की वगैरह आ गई है उसकी? हाँ सर आ गई। कितने आ रहे फिर तुम्हारे? ओके 16 और बाकी? अच्छा 18। ओके इस बार का शायद कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है ना, वो दोनों एमर्ज कर दिए हैं और रीजन में से, मतलब टोटल कितने 540 या कुछ तो ऐसा ही क्राइटेरिया होता है उनका तो। यस सर। बाकी लेकिन लास्ट ईयर तो 14 का था ना कट ऑफ, 13-14। सर 20 के आगे था फिर वो तो उसका होगा, ये प्री आरएमओ का शायद 13-14 कुछ था ना। सर पीआरएमओ का 20 था सर, लेकिन उसमें 7 बोनस भी थे मार्क। अच्छा ओके, मतलब 13 ही था ऑफिशियली देखा जाए तो, मतलब वो तो 7 तो सभी को मिले होंगे। यस सर, यस सर। कोई नहीं, चलो बढ़िया है, तब भी अभी फिर से है चांस अपने को इस साल देने का, देंगे। तो दोनों ग्राफ हो गए सेकंड थर्ड, उसमें देखो अब सेकंड में y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है वो है माइनस 1, b जो है वो है 3, सी है माइनस 2। ठीक है, सी माइनस 2 है, फिर उसके बाद डी निकाल लेंगे। अब यहां पे तो डी आ जाता है 9-8, तो डी आ रहा है 1। यहां पे अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2 है, तो -3/2 × -1, तो माइनस माइनस गया तो ये 3/2 −d/4 है, तो ये आ जाएगा यहां पे 1/4 वर्टेक्स। एंड कट वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, −2। अब ग्राफ बनाएंगे हम, ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा, डी पॉजिटिव है तो दो जगह पे कट करेगा, फिर उसके बाद वाई एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट करेगा, तो वाई एक्सिस या तो इधर होगा या इधर होगा, लेकिन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस तो यही आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा इसका, यहाँ पे ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 3/2, 1/4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 0, −2। ठीक, तो ये ग्राफ है। एंड अगला ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, तो यहाँ पे ए 1 है, बी −1 है, सी 0 है, डी 1 आएगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स −b/2 है तो 1/2, एंड यहाँ पे डी तो ये −1/4 आ जाएगा। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा 0, 0। ठीक है, मतलब ओरिजिन से ही पास करेगा ये ग्राफ। तो ये देखो ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, फिर उसके बाद डी पॉजिटिव है तो दो जगह पे कट करेगा। ठीक है, वर्टेक्स पॉजिटिव है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड, एंड
वाई मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से ही पास कर रहा था 0,0 से, तो ये ग्राफ आएगा यहाँ पे 0,0, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1/2, -1/4, ठीक है। चलो एक ठीक है, तो 2 मिनट है, ये करके रखना, 2 मिनट में आया मैं। ठीक है, हो गया ये दोनों तीनों ग्राफ। ठीक है, हम आ जाते हैं अब ये ग्राफ के एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ पे यूज करना है अब इन ग्राफ को हमें। ठीक, तो रेंज निकालने के लिए अब यहाँ पे दो पॉइंट है, डोमेन एंड रेंज होता है। डोमेन मतलब होती है एक्स की वैल्यूज, जैसे ये होता है y is equal to f of x function होता है। तो पहले तो dependent and independent के बाद terms में बात कर लेते हैं। ये जो x होता है ये होता है independent variable, ठीक है, independent variable होता है। and ये जो y है वो x के ऊपर depend करता है, तो y हो जाता है dependent variable अगर y is equal to f of x है तो, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में जो x की वैल्यू का सेट होता है, जो x की वैल्यूज होती है उसको हम कहते हैं उसका डोमेन, उसको कहते हैं हम उसका डोमेन। एंड जो y की वैल्यूज होती है उसको हम कहते हैं उसकी रेंज। ठीक है, जो x के वैल्यू का सेट होता है उसको हम कहते हैं उसका डोमेन, एंड जो y की वैल्यू का सेट होता है उसको हम कहते हैं उसकी रेंज। ठीक है, ये पता था क्या? नो सर। नो सर। तो ये y is equal to f of x, f of ये x depend नहीं करता है, तो independent variable, and y x के ऊपर depend करता है तो ये dependent variable। तो जो x की value का set होता है वो होता है domain, and जो y की value का set होता है वो होता है range। ठीक है, तो लिख लो इसको एक बार अगर लिखना है तो, पहले ये लिख लो एंड फिर उसके बाद डोमेन की डेफिनेशन। वैसे ये 12th में आएगा, लेकिन अभी के लिए बस जो x की वैल्यूज ये है वो डोमेन कहलाती है। डोमेन लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन टेक्स रियल वैल्यूज, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, डायरेक्टली ये कर लो, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड रेंज। सेट ऑफ values of y, ये range होता है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा, मान लो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका अगर हम डोमेन निकालना चाहेंगे तो ये फंक्शन कौन से x के लिए डिफाइन नहीं होता है ये बताओ। x इज इक्वल टू वन के लिए डिफाइन नहीं होता है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज आएगी x की, मींस ये x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, वो कहलाएगा इस फंक्शन का डोमेन। ठीक है, वो कहलाएगा इस फंक्शन का डोमेन। एंड जो y की वैल्यू का सेट आएगा, मतलब इस x के लिए जो y वैल्यूज ले रहा होगा वो कहलाएगी इसकी रेंज। क्लियर है डोमेन रेंज अब? यस सर। इसको और डिटेल में देखने वाले हम 12th में, फंक्शन ITF पहला ही टॉपिक है उस वहां पे। अभी के लिए जस्ट एक आइडिया ले ली हमने डोमेन रेंज, अगर कहीं पे नाम आ जाए तो कंफ्यूज ना हो हम। तो ये लिख लेना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये तो y इज इक्वल टू दिस, तो x बिलोंग्स टू इस डोमेन, ये जो x की वैल्यूज है ये डोमेन हो जाएगा। y की वैल्यू अभी निकाल नहीं सकते हम, वो हम सीखेंगे बाद में। आगे बढ़े अब। ठीक है, तो हमें चाहिए अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब अलग अलग बुक में इसके तुम्हें अलग अलग तरीके दिख सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ग्राफ वाला तरीका सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाए x के ऊपर, हमें वैल्यू उसकी रेंज मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट में नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, ये क्यू लिखा है ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, तो जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डोमेन क्या आएगा? रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ये इसका डोमेन होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हमें ऐसा दिया जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, x बिलोंग्स टू 1 to 2, मतलब x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल के दिया जाएगा, तो हमें उस टाइम पे यही उसका डोमेन कंसिडर करना है। फिर हम x बिलोंग्स टू r नहीं बोल सकते। ये x बिलोंग्स टू r कब? जब हमें सिर्फ इतना गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, तो उस केस में ऐसी वैल्यू, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, तो वो x belongs to R। लेकिन अगर हमें given रहेगा question में कि x 1 to 2 है, तो वही हम उसका domain consider करेंगे। ठीक है, तो no restriction on domain means यहाँ पे x belongs to R आएगा, and restriction means वहाँ पे question में हमें given रहेगा कि हमें x यही consider करना है, तो वो restriction एक तरीके से माने जाएंगे domain के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो हमें खुद से निकालना पड़ेगा ये, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है x, तो वही उसका डोमेन हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसकी हमें रेंज चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डोमेन निकाल लेंगे। तो इसका डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका डोमेन हमने निकाल लिया। अब इसका ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ आ जाता है। अब प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग इसकी, मुझे आता है इसकी वजह से डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये उसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स -1/2, 3/4,
अब हमें देखना है कि x की ये इन वैल्यूज के लिए हमें y की कौन सी वैल्यू मिलती है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, तो ये देखो x बिलोंग्स टू r है मतलब पूरे x एक्सिस को हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम y की वैल्यू देखते हैं, हर एक x के करस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू देखते हैं तो हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिलने वाला है। ये x बिलोंग्स टू r के लिए हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा ना, मतलब ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं हम, बेसिक तरीका क्या होता है ग्राफ का, एकदम बेसिक तरीका जो अभी तक तुमने सीखा है 10th तक, कि हम x की वैल्यू लेते हैं, फिर y की वैल्यू आती है, उसको हम प्लॉट करते हैं, फिर ऐसी बहुत सारी वैल्यूज निकालते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं और ग्राफ आ जाता है, यही करते थे ना। यस सर। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, x का इसका जो डोमेन है वो r है, इसका मतलब x ये सारी वैल्यूज ले सकता है। तो हम अगर इन सारे x के लिए देखेंगे तो जो y की वैल्यूज आएगी उनको ज्वाइन करके हमें ये पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा। तो मतलब हमें पूरा का पूरा ग्राफ कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसमें बताओ सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है ग्राफ में, सबसे नीचे पॉइंट वर्टेक्स है ना। या तो तुम ये बताओ ये जो शेडेड रीजन आया है ये पूरा का पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है, ये शेडेड रीजन इसलिए है ये पूरा का पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है ये x belongs to r के लिए। तो इसमें अब हमें y कौन सी वैल्यूज ले रहा है ये बताना है, एंड y की वैल्यू मतलब हमेशा देखना है y एक्सिस, नीचे से ऊपर देखना है। तो यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 3/4 इस शेडेड रीजन में। इस ग्राफ को हमें नीचे से ऊपर देखना है, तो सबसे नीचे पॉइंट कौन सा ही है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3/4 एंड वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रही है ऊपर शेडेड रीजन की, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, ये कहलाएगी इसकी रेंज। क्लियर है क्या बताओ? Yes. Yes, हमें पहले क्या करना है, ग्राफ हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, इसका मतलब हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे x belongs to r आएगा, उसके लिए अगर हम ग्राफ कंसीडर करेंगे तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। तो उस ग्राफ में नीचे से ऊपर देखेंगे तो सबसे नीचे ये पॉइंट आता है, एंड सबसे ऊपर जब देखेंगे तो वो कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट है 3/4, हमें वाई मतलब वाई की वैल्यू की बात करनी थी ना रेंज में, तो सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट ये है, तो वैल्यू यहाँ से y की मिनिमम वैल्यू 3/4 आएगी, बढ़ते बढ़ते वो कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो रेंज आ जाएगी 3/4 टू इन्फिनिटी। क्लियर है सर? वर्टेक्स पॉइंट को भी कंसीडर कर, हाँ हाँ कंसीडर करना है ना वर्टेक्स पॉइंट को। और अगर दूसरे टर्म्स में बोला जाएगा, ये अगर पैराबोला आता मतलब ये ग्राफ आता है, a ग्रेटर देन 0 होता है और डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिलने वाला है। तो रेंज कहां से कहां आएगी बताओ, इसकी y कहां से कहां आएगा, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2a, -d/4 है। तो ग्राफ को अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू y की कहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है -d/4 है, एंड बढ़ते बढ़ते वो कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक। तो इस केस में रेंज क्या आ जाती है, -d/4a टू इंफिनिटी। ठीक है, एंड अगर डाउनवर्ड आ जाता है, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आ जाएगा, एंड डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मीन्स हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा, क्योंकि इसका डोमेन क्या आ जाएगा, आर, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे y = ax² + bx + c की, इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो इसमें रेंज बताओ क्या आ जाएगी, -d/4, नीचे से ऊपर देखना है, माइनस इंफिनिटी से कहां तक आएंगे मैक्सिमम वैल्यू, -d/4 है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है? यस सर।
यस सर। तो तुम ये वाले बना लेना, ये दो ग्राफ बनाना पहले, फिर उसके बाद इसको एग्जांपल में लिखना। पहले ये दो ग्राफ, ए पॉजिटिव तो ये वाला ग्राफ, वाई एक्सिस नहीं भी ड्रॉ करोगे तब भी चलेगा इसमें, क्योंकि डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें क्या मिलने वाला है, वाई की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, क्योंकि पूरा ग्राफ हमें मिलेगा, पूरे ग्राफ में सबसे नीचे पॉइंट कौन सा, वर्टेक्स, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, और फिर वाई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगी इस ग्राफ के ऊपर, तो रेंज ये, एंड इसमें माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर है। हो गया, तो अगला तुम्हारे लिए है, इसकी रेंज बताओ तुम, डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसकी रेंज। ये जल्दी से करो, इसमें ग्राफ भी नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका d बस कैलकुलेट कर लेना, 9 माइनस 8 तो 1 आ जाएगा, ये आ गया, माइनस d बाय 4 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/4, तो इसकी जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू वो रहता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1/4 डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना ग्राफ, क्योंकि x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो रेंज माइनस डी बाई फोर टू इन्फिनिटी, एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर है। हो गया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन वाला एग्जांपल, वो एग्जांपल से ही समझ में आता है, एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं, तो यहां पे इसकी रेंज चाहिए थी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसकी हमें रेंज चाहिए, और x बिलोंग्स टू है माइनस 1 to 1। अब x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, यही इसका अब डोमेन हम कंसीडर करेंगे, तो इसमें पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये उसका ग्राफ आएगा, ठीक है, कर लेना तुम, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c 0, डी पॉजिटिव आ जाता है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो ये ग्राफ आएगा, ये 0 0, ठीक है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -1/2, -1/4, ठीक, ये आ जाएंगे। उसके बाद अब माइनस वन पे इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें माइनस वन एंड वन के बीच का ही ग्राफ चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू वहां से वहां तक ही वैरी कर रहे हैं, वन यहाँ पे आएगा, वन पे वैल्यू देखो इसकी 2 आ जाती है, तो 1 पे जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, तो 1 पे वैल्यू 2 आ गई,
ठीक है, वन पे जो वैल्यू है वो टू आ गई। फिर माइनस वन पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी? जीरो। माइनस वन पे वैल्यू जीरो आएगी, मतलब माइनस वन ही इसका एक रूट होगा, तो ये पॉइंट है वो माइनस वन। अब हमें क्या बोला गया है, एक्स कहां से कहां वैरी कर रहा है, यहां से यहां तक, तो इसके बीच में जो ग्राफ आता है बस हमें वही कंसिडर करना है, माइनस वन टू वन के बीच में जो ग्राफ आता है वही कंसिडर करेंगे, तो ये वो ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ है वो। तो तुम ये बताओ ये जो शेडेड रीजन है इसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है? माइनस वन अपॉन वर्टेक्स है, तो y की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? माइनस वन अपॉन, एंड y की मैक्सिमम वैल्यू टू टू, तो रेंज क्या आ जाएगी? यस सर। तो इस तरीके से रेंज निकाली जाएगी। सर मतलब हमें एकदम एंड मोस्ट पॉइंट से चालू कर रहे हैं। हाँ सर, लास्ट पॉइंट मतलब सबसे नीचे वाले। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमें अगर माइनस वन भी वैल्यू मिली तो वो नहीं ले सकते। नहीं ना, क्योंकि जो शेडेड रीजन हम बना रहे हैं, हमें ग्राफ क्या चाहिए था, वो माइनस वन एंड वन के बीच का ग्राफ चाहिए था, तो हमने ग्राफ वो शेडेड कर लिया जो ग्राफ हमें चाहिए। अब उसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है? वो वर्टेक्स है, वो माइनस वन वाला पॉइंट सबसे नीचे नहीं है, वर्टेक्स है, ठीक है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें कंसिडर करना पड़ेगा मिनिमम के लिए, ना कि वाई माइनस वन का, ठीक है? Yes. और होमवर्क के लिए तुम क्वेश्चन लिख लो, वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, x belongs to 0 to 2, x belongs to 3 by 2 to infinity, x belongs to minus infinity to minus 3 by 2 open, ठीक है, ये चार रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, इसकी रेंज चाहिए, तो ये होमवर्क है, ठीक है? Yes. आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में तुम सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते हो, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी। बस सेक्शन सी में ध्यान रखना, जो हायर डिग्री के क्वेश्चंस होंगे ना वो करने की जरूरत नहीं है, जो 3 degree 4 degree के भी कुछ क्वेश्चन है वो करने की जरूरत नहीं है, तो तुम सेक्शन ए एंड सेक्शन सी कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. तो करके रखना, डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट इसमें। ठीक है फिर, चलो बाय बाय।